class 11. Today chapter number 11, cash book, we are doing, and now it is the turn of question number 4. Okay? It is a single column cash book, only cash amount on the debit side and credit side we have to prepare. First transaction is, enter the following transactions in a single column cash book in general. It means only cash transactions will record in the cash book, and those transactions which are not in the cash form, we will record these transactions in general profit. Clear? First transaction is on 1st Feb 2018, balance in shop cash rupees 40,000. Okay, on 1st Feb, it is the opening balance of cash. Okay, cash available in the shop. It means opening balance of cash. Then two balance brought down 40,000 rupees. Clear? Second transaction is on 5th Feb, goods purchased. Bought goods rupees 30,000, CGST 6% and SGST 6%. Okay. First of all, what will be the journal entry with bought goods with CGST and SGST? Clear? Purchases account debit, input CGST debit, input SGST debit, and do cash account. Here, goods purchased for rupees 30,000 and the rate of CGST is 6%. It means 6% of rupees 30,000. It will be 1800. 1800. Input SGST or CGST and total is 33,600. Okay, but इसको हम posting करेंगे इसकी. देखिए cash account credit हुआ है, then we will record on the credit side of the cash book and the name of the account was debit with the cash account. Clear? Now उनके आएंगे जो उसके साथ debit हुए हैं, तो total cash account credit होना चाहिए 33,600 से. Clear? तो on 5 Feb by purchases account by input CGST account by input SGST account. Purchases 30,000, 1800 and 1800. क्या आप total करेंगे? It means total amount कितना रहेगा? 33,600 रहेगा. तो cash account credit हुआ है by 33,600. Clear हुआ? CGST, SGST को कैसे आप posting करेंगे cash book में? Next transaction is sold goods CGST 6% and SGST also 6%. 45,000 में goods sale किया है. Then the businessman sold the goods. Then entry will be cash account debit to sales होता है. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है, बट यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी है. तो जब माल बेचा जाता है तो सीजीएसटी कलेक्ट किया जाता है, और जब माल खरीदा गया था तो सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया जाता है. क्लियर? कलेक्ट करेंगे तो टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट अमाउंट ऑफ सेल्स 45,000. 6% ऑफ 45,000, हाउ मच अमाउंट? 1500? नहीं, ज्यादा होगा. 6% जी टू 6 5 30 3 6 4 20 4 27 2700. क्लियर? ऐड करेंगे 0 4 50,400. देन कैश अकाउंट डेबिट, देन वी विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST or to output SGST. SGST. Clear? 45,000, 2700 and 2700. Clear? Date kya rahegi? 7 Feb. किसी को पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री होती है? यशपाल एंड सन्स टू
रिसीव्ड साइड, इट मींस जब भी आप पेमेंट करेंगे तो इट विल रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक. क्लियर? यशपाल एंड सन्स को पेमेंट हुआ है तो बाय यशपाल एंड सन्स कितना 6000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन 14th रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ब्रदर्स रुपीज 9800 एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज 200. राहुल ब्रदर्स से रिसीव हुआ है तो बेटा रिसीव होता है देन कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राहुल ब्रदर्स. क्लियर? कैश कितना रिसीव हुआ 9800, डिस्काउंट 200 एंड टोटल 10000. क्लियर? कैश अकाउंट डेबिट है 9800 से, इट मींस हम कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे जो उसके साथ क्रेडिट हुआ है टू राहुल ब्रदर्स. क्लियर? बट अमाउंट कितना आएगा 9800 जितना कैश रिसीव्ड हुआ है. क्लियर? ऐसा नहीं है हमने राहुल ब्रदर डाला है तो हम यहाँ 10000 डालेंगे, वो गलत हो जाएगा. जितना कैश हमें रिसीव हुआ है वही अमाउंट हमारा रहेगा. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज लोन रीपेड. लोन की पेमेंट की है 16 को 7000 रुपीज की 16 फेब को. बेटा रीपेमेंट हुई है, लोन की पेमेंट की गई है, इट मींस पेमेंट साइड में आएगा बाय लोन अकाउंट. क्या ट्रांजेक्शन रहती है, क्या ट्रांजेक्शन रहेगी? रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्लियर? कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस. ऑन 22nd फेब पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्या करेंगे? पे किया गया है, क्रेडिट साइड में आएगा. हर उसके लिए आपको ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आना चाहिए कि आपको आपने पेमेंट किया है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस तो बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 22nd फेब को एंड द अमाउंट इज रुपीज 500. नेक्स्ट इज 23 रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश यादव 6815 एंड डिस्काउंट अलाउड 150. बट आपने सोचना है, ठीक है, कैश रिसीव हुई है दिनेश यादव से तो रिसीव होती है कैश अकाउंट डेबिट होता है, मींस रिसीप्ट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे 23rd फेब को टू दिनेश यादव. और कितना आया है आपके पास कैश 6850. डिस्काउंट को आप यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ट्रांजेक्शन इज ऑन 25th पेड टू यशपाल एंड सन्स 13,715 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम. उसने डिस्काउंट अलाउ किया, इट मींस बिजनेसमैन ने उसे रिसीव किया. ठीक है, डिस्काउंट का यहाँ कोई मैटर नहीं है, आपको कैश से मतलब है, कैश रखना है. तो 25th फेब को किसे किसको पेमेंट किया गया है? पेड टू यशपाल एंड सन्स बाय यशपाल एंड सन्स. कितना पेमेंट हुआ है 13,750 रुपीस. इन द लास्ट पॉइंट इज पेड रेंट फॉर गोडाउन. गोडाउन के लिए रेंट पे किया है 10,000 और सीजीएसटी एसजीएसटी रेट इज 6%. पेड टू मनोज जनरल स्टोर, ये अलग ट्रांजेक्शन है. दोनों तीनों ट्रांजेक्शन 28 में ही हुई है. तो पहले आप 28th फेब को फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे. पेड रेंट फॉर गोडाउन, रेंट पे करते हैं बाय रेंट अकाउंट. बेटा इसके लिए हमारी एंट्री रहेगी रेंट पे करते हैं तो क्या एंट्री रहेगी? रेंट अकाउंट डेबिट. सीजीएसटी एसजीएसटी है तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट. देखिए रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट और टू कैश. क्लियर? रेंट अमाउंट है 10,000 रुपीज एंड द 6% ऑफ 10,000 600 600 यानी 11,1200 टोटल कैश पेमेंट की गई है फॉर द रेंट. क्लियर? देन बाय रेंट अकाउंट 28th फेब को ही बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी 10,600 and 600. क्लियर? टोटल 11,200 से क्रेडिट हुआ था कैश अकाउंट, तो क्रेडिट में हमने कितना ट्रांसफर किया 11,200. नेक्स्ट इज पे टू मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट रुपीज 8,000 के बदले में फुल सेटलमेंट में कितना 7,600 पे किया है मनोज जनरल
स्टोर तो 28 फेब को बाय मनोज जनरल स्टॉक कितना 7600 क्लियर। तो बेटा ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन ट्रांसफर हो चुकी है हमारी। उसके बाद हमें क्या करना होता है, बैलेंसिंग करनी बेटा। यहाँ का टोटल करेंगे ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। उसके बाद देखिए टोटल हमारा बनता है डेबिट साइड 1,07,050 और क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 79,650। देखिए क्रेडिट 1,07,000 था, डेबिट बैलेंस 1,07,050 और क्रेडिट बैलेंस 79,650। बैलेंसिंग करना है जैसे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा था, जो ज्यादा अमाउंट है उसमें से कम वाला लेस कीजिए, कितना हो जाएगा 27,400 ठीक है। ये बैलेंस आपका आ जाएगा, आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 28 फेब को इन द लास्ट डे ऑफ दिस मंथ क्लियर 28 फरवरी, और उसके बाद दोबारा से क्लोज करेंगे 1,07,050। इसका मतलब है कि बिजनेस में 27,400 कैश अवेलेबल है क्लियर बेटे। कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं बनेगा, इस बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, इट इज द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक क्लियर। अगले मंथ की जो कैश बुक बनेगी इट मीन्स ये वाला बैलेंस ऊपर ब्रॉट डाउन होगा। जैसे हमने यहाँ 40,000 ब्रॉट डाउन किया था, अगर फर्म नेक्स्ट मंथ की कैश बुक बनाती है तो अब ये बैलेंस नेक्स्ट 1 मार्च को ब्रॉट डाउन होगा। एडवेंस इतनी कैश अवेलेबल है बिजनेस में, कभी भी कैश बुक का कौन सा बैलेंस नहीं आता है, क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है ठीक है, नेगेटिव में कभी नहीं आएगा। जितनी कैश अवेलेबल है या तो वो टोटल खर्च हो सकती है या उससे कम खर्च हो सकती है क्लियर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।